नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले का लाल असम में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वीर सपूत को देखने हजारों लोग सिरमौन क्षेत्र के उमरी गांव पहुंचे, जहां भारत माता के जयकारों से सैन्य सम्मान के साथ वीर जवान का दाह संस्कार कर दिया गया। बारी बारी से जिला प्रशासन के आला अफसर, जन प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चार पहिये पर दो पहिया वाहनों का काफिला शमशान स्थल तक पहुंचा। रास्ते में अरुण मिश्रा अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 मार्च को सुबेदार अरुण कुमार मिश्रा पुत्र जंगदम्बा प्रसाद मिश्रा 47 वर्ष निवासी उमरी गांव थाना सिरमौर ड्यूटी के दौरान 2 दिन पहले असम में शहीद हो गए। दूरभाष के माध्यम से शहादत की खबर परिजनों को दी गई। निधन की खबर सुनती पत्नी बेहोश हो गई। वहीं दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के गांव में मातम छाया हुआ है। सेना के अफसरों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान अरुण को हार्ट अटैक से निधन आ गया। जैसे ही अधिकारियों ने उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाया तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ गगनभेदी नारों के बीच वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।